यश बाबू की कुरुक्षेत्र से रिपोर्ट। अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के चेयरमैन इकबाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने आमजन मानस के लिए 125 और अल्पसंख्यकों के लिए 12 सहित कुल 137 योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक गांव तक पहुंचाना होगा। इसके लिए प्रशासन और संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। अहम पहलू यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से सिख समुदाय के 29 बड़े कार्यों को पूरा करवाया जा चुका है। ये तो महज एक शुरुआत है, अभी बहुत से कार्यों को पूरा करवाना है। चेयरमैन इकबाल सिंह गत देर सायं लघु सचिवालय के सभागार में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के मन से डर निकालने का प्रयास इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित को जहन में रखते हुए अलग से 12 विशेष योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया है। इन योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के अनुसार लाभ दिया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह साहब की पहचान की, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की धरती है। ये धरती आगे बढ़े, सभी लोग मिलकर काम करें, इसके लिए भारत सरकार इन सभी के साथ है। और हम चाहते हैं कि देश का विकास हो और उसमें जो माइनॉरिटीज हमेशा से आगे काम करती रही हैं और भी ज्यादा काम हो। आपका धन्यवाद। योहाना को कप्तान बनने के लिए मोहम्मद यूनस बनना पड़ता है। सो इस देश में देश के हर सिटीजन के लिए 125 स्कीमें ऐसी हैं जिनके हर जो है शरीर के या जिंदगी के हर हिस्से में विकास हो, एजुकेशन पे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, उसके जीवन के हेल्थ के लिए हो, किसानी के लिए हो, वो सभी स्कीमें सभी के लिए हैं। मिनोरिटी के लिए 12 और भी हैं, तो ये 137 स्कीमें हर घर तक पहुंचे, हर आदमी तक इसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। इसके लिए मैं बातचीत करने के लिए आया था। बहुत सारी बातें सभी लोगों ने कही हैं, सभी लोग मिलके इस हरियाणा का विकास कर रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र की धरती भगवान कृष्ण की धरती है, ये अर्जुन की धरती है, ये भीम की धरती है, यहाँ गुरु हरकृष्ण साहब आए थे, ये पंडित लालचंद की भी धरती है, भट्टों की धरती है, पीर जी की धरती है। पवित्र धरती पे सभी मिनोरिटीज और सभी भाइयों को मिलने का मौका मिला। मिनोरिटी देश में अलग से नहीं रह सकती, ये ऐसा एक देश है जहाँ मिनोरिटीज आगे बढ़ रही हैं, संख्या भी बढ़ रही है। ये वो देश है जहाँ हर जगह मिनोरिटी को मौका मिलता है। चाहे अभी 3 फील्ड मार्शल बने हैं भारत में पिछले 75 साल में, 2 जो है जनरल मानिक शाह और मार्शल ऑफ द ईयर अर्जुन सिंह, दोनों मिनोरिटीज थे। जो फील्ड मार्शल जो जिंदगी भर जो है मरने तक जो है फौज का कमांडर रहते हैं, इसी तरह ही यही है ये देश है जहां मंसूर अली खान पटौदी को भी कैप्टन बनाया जा सकता है, अजरुद्दीन अली को भी बनाया जा सकता है, अजरुद्दीन को भी बनाया जा सकता है, बिशन सिंह बेदी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन हम अपने साथ देखें।